कैंट पुलिस ने मोहद्दीपुर स्थित आरकेबीके के पास हुई फायरिंग की घटना में शामिल एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कैंट पुलिस की टीम ने महादेव झारखंडी मंदिर के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान अर्णव सिंह पुत्र शमर बहादुर सिंह निवासी अम्बेडकर नगर थाना बेवाना जिला अम्बेडकर नगर के रूप में हुई है। सीओ कैंट ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर कैंट थाने में पहले से ही मुकदमा दर्ज है। घटना में अब तक 12 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि पहले से गिरफ्तार अभियुक्तों के बयान पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जो कि घटना में शामिल था, जिसको जेल भेज दिया गया। अभी और छानबीन की जा रही है, जो भी इसमें शामिल होगा उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी मनोज कुमार राय, उप निरीक्षक सुभग नारायण सिंह, कांस्टेबल साहबलाल, सुजीत कुमार यादव, अजीत शामिल रहे। संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, दिनांक 20 तारीख और 21 तारीख को ये दो घटनाएं थाना कैंट में हुई थी, जिसमें 20 तारीख को पासा रेस्टोरेंट और चंपारण ढाबे पे मारपीट की घटना हुई थी और 21 तारीख को सिंघड़िया और आरकेबीके पे फायरिंग की घटना हुई थी। इस संदर्भ में जितने भी नामजद अभियुक्त सभी जेल जा चुके हैं। एक प्रकाश में आया अभियुक्त अर्णव सिंह करके था, जो ये दोनों घटनाओं में सम्मिलित था, आज उसे कैंट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सर, और भी लोग बचे हैं? निश्चित रूप से इसमें जो इनामिया बदमाश से पकड़ा गया था कैंट पुलिस द्वारा, इसमें उसने कुछ नाम प्रकाश में लाए थे जो देवरिया जनपद के मुलता रहने वाले हैं, उनकी तलाश चल रही है। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। और लोगों की इसमें गिरफ्तारी होगी? निश्चित रूप से भी गिरफ्तारी और लोगों की होगी इसमें।